हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड उसके बाद देखेंगे हम गॉस थ्योरम, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो भी ये जो कंप्लीट चैप्टर होगा, ये इसी इन्हीं दोनों थ्योरम्स पे, इन्हीं दोनों लॉज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको अब अच्छे से अगर हम रेडी कर लेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी गॉस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए सरफेस, एक ऐसे सरफेस के लिए, फॉर ए सरफेस हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल सकते हैं आप, या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, क्रॉसिंग द सरफेस, क्रॉसिंग द सरफेस इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। डेफिनेशन से आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, समझते जाएं आप, सिर्फ समझने की चीज़ें ही। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए सरफेस, एक ऐसे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वो किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे आप, यहाँ से देखिए, इज रिप्रेजेंटेड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। उनको उन सारी टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे जो उस बाउंडेड सरफेस को क्रॉस कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लें, ठीक है, जिसको लेंदी लग रही है, टिपिकल लग रही है उसके लिए, कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इन द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस से लिख दे रहे हैं सरफेस को, ओके। सिंपल सा हो गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, ऑफ सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के नॉर्मल होगी उसका, और सरफेस एरिया का, दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट है आपके पास। देखो पहले इससे इसका डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा, कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही हैं आपकी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, सरफेस रखा है यहाँ पे, कोई भी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट रखा है, राउंड वाउंड नहीं, ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरी शेप ले लें आप, कि ये शेप रखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कि इस बाउंडेड सरफेस में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसको कैंसिल आउट कर रही हैं वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो देखो ये कितनी लाइन्स काटनी है, 5 लाइंस। अगर मैं इसकी पोजीशन ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, देखो सिंपल सा समझें, इसको यूं रख दूं मैं, या फिर आप यूं लें कि इसको अब मैं यूं रख दूं, तो अब देखो ये 5 लाइन, 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन तो भी पास आउट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है आपका, पर देखो ये सरफेस को कौन काट रहा है, 1, 2 एंड 3, ओनली कितनी लाइंस काट रही है इस सरफेस को, 3 लाइंस काटती है। देखो जो अपर एंड लोअर वाली लाइंस थी वो इसको क्रॉस करके निकल गई, ये इसके बिल्कुल पास से निकल गई विदाउट क्रॉसिंग द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखो सेकेंड डेफिनेशन यहाँ से देखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप फाइव से, फाइव बिल्कुल सिंपल सा एक
गोला बनाएंगे, उसके अंदर एक खड़ा डंडा, ठीक है, ये हो गया आपका फाई, ठीक है, ये भी एंगल होता है फाई, तो फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो फाई हमने बताया क्या होता है फाई, अभी देखो प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस था मान लो आपका एस, तो इसका स्मॉल सरफेस ले लें, सबको पता है कि स्मॉल सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट सरफेस मिल जाएगा मेरे को, और अगर चीज़ों को छोटा करना होगा तो हम उसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। तो देखो इसका कोई छोटा सा सरफेस लिया मैंने, ये सरफेस था कंप्लीट सरफेस एस, तो स्मॉल सरफेस हो गया आपका डी एस, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रही आपकी ये वाली रही, इसके नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो ये एंगल कितना है आपका थीटा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन के साथ बना रहा है, और आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा ओरिजोनटल लाइन के अलोंग हमेशा एंगल यूज करेंगे हम कोस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल लाइंस के अलोंग एंगल हमेशा यूज करेंगे साइन थीटा। इन चीज़ों को हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो पहले जाएं और अपनी प्रीवियस वीडियोज देखें आप, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने रिप्रेजेंट किया फाई से, तो प्रोडक्ट है सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस था तो सरफेस एरिया हो गया आपका डी एस, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई और सरफेस के नॉर्मल, दैट मीन्स ई एक्स कॉम्पोनेंट लिख लें आप, या फिर सीधा इसी को लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई एक्स के अलोंग हमेशा कोस थीटा और डी एस। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूं अलोंग द लाइन एंगल कितना होता है, हमेशा अलोंग द लाइन एंगल होगा आपका जीरो, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया स्मॉल तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल, तो ये आ गया डी फाई, और अलोंग द सरफेस आपका जीरो था, कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो डी फाई आ गया आपका ई इंटू डी एस, वैक्टर हटाएंगे तो। अब मेरे को निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधी बात है इसका क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, वो देखो अभी डिस्कस करते हैं। जी बात आपको समझ में आई अच्छे से, तो वापस देखें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कि कोई सरफेस रखा है, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए सरफेस हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इज रिप्रेजेंटेड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही हैं वो क्रॉसिंग द सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मली जितनी लाइन्स कैंसिल आउट करेंगी वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंड भी है आपकी, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है सरफेस एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए छोटी सी बात देखते हैं, प्रीवियस जो लेक्चर था अपना उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, याद होगा आपको सभी को, तो उसके साथ एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम रिलेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेशन देखते हैं इसका, देख लीजिए आप रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो अभी हमने देखा ही, इसकी डेफिनेशन, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो अभी तक हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, वी नो दैट से स्टार्ट करते हैं हम, यू नो दैट, क्या जानते हो आप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया था अपना डी फाई वो था ई इंटू डी एस फॉर स्मॉल सरफेस एरिया। यदि अब मैं बात करूँ टोटल कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए क्या होगा ये, तो देखिए सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से दिया जाएगा क्या, कि जो क्लोज फाई होता है वो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई। क्लोज इंटीग्रेशन क्यों, देखो इंटीग्रेशन होता है चीज़ को ब्रॉड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब स्मॉल सरफेस था कैपिटल कंप्लीट सरफेस एरिया चाहिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखो चीज़ें बाउंड हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने लिखा था कि सरफेस रखा हुआ था इन ए क्लोज सरफेस, ठीक है, तो ये चीज़ें बाउंड हैं तो बाउंड हो गया तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, तो सिंपल सा यहाँ से आ जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। तो आपसे वापस से एक और डेफिनेशन, यहाँ से थर्ड डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड
डिफाइन एज द सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द, किसका सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो तीन डेफिनेशन हो गई हैं, आपको कोई भी एक डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है स्टूडेंट्स। देखो फाई आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, डी एस यहाँ पे एलिमेंट की सरफेस था आपका, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम देखो ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी को तो लिखा हमने, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइज, तो अब मैं एक बार इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, तो देखो फाई यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यदि मैं बात करने जाऊं तो देखो फाई होता है अपने पास ईडीएस, स्मॉल फाई की बात करूं तो ईडीएस, ठीक है, कैपिटल फाई की बात करूं ई इंटू एस हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन से हटा के। देखो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज हो रहा हो तो क्लोज कॉन्स्टेंट टर्म थी डी एस तो बाहर आएगा तो ई इंटू एस, वही तो बात आएगी। तो देखो यहाँ से देख लें आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी फोर्स अपॉन चार्ज, और सरफेस का क्या होता है, सरफेस का हो जाएगा सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया लिख लो आप, मतलब सरफेस एरिया ही रहने दो, अब ऐसा यूनिट लिख लेंगे, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम और सरफेस की मीटर स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी फाई की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसकी ऐसा यूनिट आ गई आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं हम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होती है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे गॉस, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरम दी थी चार्ज से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, और उसी को जाना गया, उसी को बोला जाता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में क्या बताया गया, देखो इट स्टेट्स दैट, जिसने बताया इट स्टेट्स दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस की तो बात हो ही रही है यहाँ पे, थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोज्ड ए चार्ज, और इस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, एक इनक्लोज है रखा हुआ है इनक्लोज्ड चार्ज, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे, जैसे ये सरफेस रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, तो इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस प्रकार से बताया कि इस सरफेस में मान लो कोई चार्ज है भाई कैपिटल क्यू, ठीक है, तो इस चार्ज का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/ε0 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू गॉस डेफिनेशन हो जाएगा आपका जो फाई था वो किसके बराबर रह जाएगा, क्यू, टोटल चार्ज था क्यू, उसका 1/ε0 टाइम्स ज़्यादा कर दो आप, तो ये हो जाएगा फाई, क्लोज फाई लिख दिया एक ही बात है, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई ε0, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो वी ऑल्सो नो दैट, बट हम जानते क्या हैं, नो दैट क्या जानते हो भैया, देखो हम जानते हैं कि फाई होता है वो किसके बराबर होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर होता है फाई, ठीक है, ई डी एस के बराबर होता है, तो ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ देखो क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर लो आप, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम है, तो राइट हैंड साइड भी आपकी सेम हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर हो जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है, और ये सरफेस के केस में है, देखो सरफेस के केस में है तो आप इसको सरफेस इंटीग्रल भी दिखा सकते हैं, अगर ऐसे ही छोड़ना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं एज यू विश। ठीक है स्टूडेंट्स,
देखो अब इसकी यहाँ से एक डेफिनेशन और रह जाएगी कि गॉस थ्योरम क्या कोडिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोज ए चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन ए सरफेस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो लाइन इंटीग्रल था उसके बराबर आ जाएगी वापस से, वो क्यों डेफिनेशन रिपीट की हमने, तो आई थिंक कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर का बेसिक था स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे, ठीक है, गॉस थ्योरम पे जो भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। तो थैंक यू, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।